आज मैं आपको बताऊंगी टीवी एक्टर समीर की लाइफस्टाइल के बारे में। उनका रियल नेम है समीर शर्मा, उनका निकनेम है सैम। 3 मई 1976 में उनका जन्म हुआ था। साल 2020 में उनका उम्र है 44। उन्होंने दिल्ली की पब्लिक स्कूल से अपनी स्कूलिंग और श्री वेंकटेश्वर कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया था। प्रोफेशन की बात करें तो समीर एक मॉडल और एक्टर थे। टीवी इंडस्ट्री में काम करने से पहले बेंगलोर की आईटी कंपनी और रेडियो स्टेशन में वो काम किया करते थे। साल 2004 में स्टाफ दास की पॉपुलर सीरियल कहानी घर घर की में उन्हें पहली बार सपोर्टिंग रोल का किरदार मिला था। इसके बाद वो कई सीरियलों में काम करते हुए नजर आए। दिल क्या चाहता है सीरियल में समीर को नितिन के किरदार में देखने को मिला था। इस सीरियल के दौरान ही उन्हें टीवी इंडस्ट्री में एक पहचान मिली थी। साल 2014 में बॉलीवुड फिल्म हंसी तो फंसी में भी समीर को देखने को मिला था। और हाल ही में समीर स्टार प्लस की सीरियल ये रिश्ते हैं प्यार के में काम कर रहे थे, जहां पर वो शौर्य महेश्वरी के किरदार निभा रहे थे। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी शादी हुई थी टीवी एक्ट्रेस आंचल के साथ। कुछ दिन पहले ही उनका शादीशुदा जिंदगी टूट गया था। समीर हर एक एपिसोड के लिए 40,000 रुपए चार्ज करते थे। उनका नेट और था 2 करोड़। उन्होंने महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदा था जिसका कीमत है 17 लाख। अफसोस की बात, टीवी एक्टर समीर शर्मा अभी इस दुनिया में नहीं रहे। 6 अगस्त यानी आज ही के दिन उनकी मौत की न्यूज बाहर आई। पुलिस का मानना है कि उन्होंने सुसाइड की है, जहां तक अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेलीविजन दुनिया की छोटी बड़ी न्यूज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट लाइक जरूर करना। फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में।